नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो पर आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो पर हम लोग बात करेंगे ईपीएफओ के बारे में, पीएफ खाते के बारे में। दोस्तों, ईपीएफओ के द्वारा एक बहुत ही बड़ी अपडेट की गई है, एक बहुत ही बड़ी न्यूज प्रेषित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि अगर आपके पीएफ खाते के साथ आपका नॉमिनी लिंक नहीं है, आपका ई नॉमिनेशन नहीं हुआ है, तो आप अपने पीएफ खाते के पैसे को निकाल नहीं पाएंगे और ना ही आप उसे चेक कर पाएंगे। तो अगर आपके पीएफ खाते में अभी तक आपका ई नॉमिनेशन नहीं हुआ है, आपके पीएफ खाते में नॉमिनी नहीं डला है, तो आप अपने पीएफ खाते में नॉमिनी डलवा लीजिए। अगर आप नॉमिनी नहीं डलवाते हो तो आप अपने पीएफ खाते के पैसे को नहीं निकाल पाओगे, यहाँ तक कि आप अपने खाते के पैसे को चेक भी नहीं कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी तक ई नॉमिनेशन नहीं करवाया है तो करवा लीजिए, या फिर आप खुद कर लीजिए। ई नॉमिनेशन करने के लिए आप सिंपली अपने ईपीएफओ की लॉग को लॉगिन करके सिंपली अपने मोबाइल से कर सकते हैं या फिर अपने कंप्यूटर से ही कर सकते हो। तो अगर आप लोगों ने अभी तक ई नॉमिनेशन नहीं करवाया तो करवा लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है। इसके अभाव में आप अपने पीएफ पैसे को निकाल नहीं पाओगे, ना ही आप इसे चेक भी कर पाओगे। तो अगर आप ई नॉमिनेशन की प्रोसेस को जानना चाहते हो, ई नॉमिनेशन खुद से करना चाहते हो, तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हो। वहां पर आपको इसके लिए वीडियो मिल जाएगी। इसके लिए हम डिस्क्रिप्शन पर भी लिंक लगा देंगे, आप उस लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को भी देख पाओगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप ईपीएफओ में ई नॉमिनेशन की जो प्रोसेस है उसको आप पूरा विस्तार से देखना चाहते हो, करना चाहते हो, तो आप हमारे वेबसाइट newsarkaryojana.com पर जाकर देख सकते हो। वहां पर आपको पूरा डिटेल से मिल जाएगा कि हम इसका ई नॉमिनेशन कैसे कर सकते हैं, वो भी अपने मोबाइल से। तो फ्रेंड्स, इसको देखने के लिए सिंपली डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, वहां पर जाके आप क्लिक करके सिंपली हमारे वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। वहां पर आपको पूरा डिटेल से भी जानकारी मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स, इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब के साइड में दे बेल आइकन को एक बार प्रेस कर दीजिए।